वी आर गिवन अ टू ब्लॉक प्रॉब्लम जिसमें आपको एक ब्लॉक 1 के जी का है, दूसरा ब्लॉक 99 के जी का है, दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दे रखा है 0.5। आपको कहा गया ये ऊपर वाले ब्लॉक पे हमने फोर्स लगाया है 1 न्यूटन का और आपसे इस नीचे वाले ब्लॉक 99 के जी का एक्सेलरेशन पूछा गया है। इसका एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम पहले तो कंसिडर करते हैं केस वन दैट ब्लॉक्स मूव टुगेदर, दोनों ब्लॉक्स साथ में मूव करते हैं। अगर ये दोनों ब्लॉक्स साथ में मूव करेंगे दैट मीन्स फ्रिक्शन कौन सा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसकी वैल्यू हमें पता नहीं होगी, वेरिएबल होगा ये। और एक्सेलरेशन के बारे में क्या कह सकते हैं, दोनों का एक्सेलरेशन ए वन और ए टू बराबर होगा, मान लेते हैं उसको ए। तो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम मूव कर रहा है एक्सेलरेशन ए से, तो क्या होगा इसमें, अगर एक्सेलरेशन ए है तो हम कह सकते हैं एफ नेट इज इक्वल टू टोटल मास दैट इज 100 kg मल्टीप्लाइड बाय टोटल एक्सेलरेशन ए, क्योंकि सबका एक्सेलरेशन बराबर है। दिस इंप्लाइज नेट फोर्स है कितना, जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा उसको एमजी नॉर्मल फोर्स बैलेंस कर देगा, और इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो एक्शन रिएक्शन है, इंटरनल फोर्स है। तो एक्सटर्नल फोर्स एक ही है 1 न्यूटन। दिस इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू 100 ए, विच इंप्लाइज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0.01 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया, पर हमें चेक करना होगा कि क्या ये सही है या गलत है। इसके लिए हमें सही गलत चेक करने के लिए क्या करना होगा, हमने एज्यूम किया है कि ब्लॉक्स मूव टुगेदर मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसलिए हमें फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल के देखना होगा कि वो फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कहीं ज़्यादा तो नहीं हो जा रही। तो इसलिए हम लोग इस 1 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इस 1 kg ब्लॉक के साथ क्या हो रहा होगा, नीचे लगेगा mg 10 न्यूटन, ऊपर लगेगा नॉर्मल फोर्स, ये भी हो जाएगा 10 न्यूटन, mg को बैलेंस करेगा। हमने आगे की तरफ फोर्स लगाया है F और पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा स्मॉल f। F की वैल्यू 1 न्यूटन पता है और हमने ये भी निकाल लिया कि इसका एक्सेलरेशन है 0.01 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ दिस इंप्लाइज, देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में तो नेट फोर्स जीरो ही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो फोर्सेज हैं एफ और फ्रिक्शन, तो वन एफ हो गया माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इज 1 kg मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन इज 0.01। दिस इंप्लाइज फ्रिक्शन इज इक्वल टू 1 माइनस 0.01, दिस इज इक्वल टू 0.99 न्यूटन। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आई, 0.99 न्यूटन। अगर हम लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालें तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू इंटू नॉर्मल, विच इज इक्वल टू म्यू है 0.5 और नॉर्मल फोर्स है 10 यानी 5 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है 5 न्यूटन और हमारा फ्रिक्शन कितना है 0.5 न्यूटन। सो हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, विच इज द केस फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन। ये हमारा सही आंसर है, इसलिए एक्सेलरेशन कितना होगा 0.01 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन दोनों ब्लॉक्स का कॉमन एक्सेलरेशन है ये, दोनों साथ में मूव करेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन का केस है, फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करके लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम आ रही है, इसलिए दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस नहीं होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा। अगर यहाँ गलती से हमारे पास इस फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा आ जाती तो मतलब क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन का केस गलत है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन कभी भी लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा नहीं हो सकता। उस केस में हमें सॉल्व करना पड़ता दोबारा से इस क्वेश्चन को बाय अज्यूमिंग कि दोनों ब्लॉक्स अलग अलग मूव कर रहे हैं, इसका एक्सेलरेशन ए वन इसका एक्सेलरेशन ए टू बराबर नहीं है, केस टू बनता वो ब्लॉक्स मूव सेपरेटली, दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होता, उसको अलग से सॉल्व करना पड़ता। लेकिन उस केस में क्योंकि हमारे पास एक वेरिएबल बढ़ गया, अभी दोनों के पास एक ही एक्सेलरेशन है ए, उस केस में दोनों का अलग अलग एक्सेलरेशन हो जाता ए वन और ए टू, इसलिए उस केस को सॉल्व करने के लिए हमें एक इक्वेशन की एक्स्ट्रा जरूरत पड़ती। वो एक्स्ट्रा इक्वेशन क्या होती, सीधी सी बात है हमारा जो फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू हमें पता होती, फ्रिक्शन इज इक्वल टू जो अभी यहाँ पे अननोन है एफ, उसकी वैल्यू होती म्यू इनटू नॉर्मल। तो ये हमारी एक एक्स्ट्रा इक्वेशन बन जाती है, अगर हमारे पास एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आ रहा है तो एक एक्स्ट्रा इक्वेशन भी आएगा और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पर फिलहाल इस क्वेश्चन में
उसकी कोई जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में सीधा सा बात है, हम लोगों ने स्टैटिक फ्रिक्शन का केस कंसिडर किया, दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं, एक्सेलेरेशन निकाला, उस एक्सेलेरेशन के करस्पॉन्डिंग फ्रिक्शन निकाला, वो फ्रिक्शन क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम आया इसलिए केस सही है। आपका आंसर कितना है? 0.01 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।